बड़ी शख्सियत सर, मोटिवेशन का बाप, गौर से सुनना सर, जो कुछ भी बोले अपने दिमाग में रखना, बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू सर। जय श्याम दोस्तों। बहुत सारी डिग्रियां लगा दी बलवंत जी ने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों के बीच से ही हूँ और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खेती बाड़ी भी हम करते हैं, आज भी करते हैं और वर्षों से करते आए। मेरा फादर भी जमींदार किसान रहा है। लेकिन जो हनुमान जी ने बताया वो सिर्फ एक ही डेडिकेटर का काम है कि हमने इसको ठान लिया। और आरसे में अगर कामयाब होना है तो दोस्तों एक ही रास्ता है कि इसमें रुके रहे। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई मारने के लिए आते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए आते हैं कि चल जाए तो ठीक, नहीं तो वो भी ठीक। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आरसे में लगातार प्रोडक्ट की झड़ी लगाते जा रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं भाई साहब ने, जिन्होंने अभी गामा की ओरिजिनल हमारे को ट्रेनिंग दी। ये प्रोडक्ट इतना शानदार, लाजवाब रहेगा और आप लोगों को मार्क्स में काम भी आएगा। यस या नो? यस। अभी बहुत सारे साथी आज नए आए होंगे और अभी मैडम जी बोल रही थी, राममूर्ति जी, कि आगरा टूर पर जो गए उनका रिजल्ट क्या है। हम उसमें शामिल थे, उससे पहले मंसूरी टूर हमने किया। दोस्तों एक ऐसा माहौल, ऐसा परिवार आप लोगों को मिलता है। जब टूर से वापिस आए और लोगों को बस में से उतारना शुरू किया तो लोगों की आंखों में आंसू थे और वो आज सारी की सारी चीजें खानसर हमारे को देके जाएंगे कि हमने मार्च में करना क्या है। अभी लगातार धूम मची हुई है प्रोडक्ट की, हमारे हेल्थ को लेकर के न्यूट्री चार्ज ने पूरा हंगामा मचा रखा है। एक बात तो समझ लेना चाहिए कि पैसा आए या ना आए, लेकिन आज से हमारे मरने नहीं देंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, ये आरसीएम का नारा है। क्योंकि टीसी जी एक बार बोलते हैं कि आरसीएम में एक भी प्रोडक्ट आएगा तो सबसे पहले वो स्वास्थ्य पर काम करेगा, एनीवन कुछ नहीं आएगा। और उसके लिए ओरिजिनल गामा ने शुरुआत की है, न्यूट्री चार्ज की हमारे धमाकेदार प्रोडक्ट है। कल परसों एक साथी का फोन आया, बोला सर एक कंपनी और आई है और वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं है। मैंने कहा सर फिर क्या कर रहे हैं? वो बोले सर प्रोडक्ट तो आरसीएम के बढ़िया बता रहे हैं और प्रोडक्ट सर से ज्यादा आरसीएम के ही ज्यादा है। तो मैंने उस साथी से कहा, मैंने कहा यार एक छोटी सी मैं तेरे को कहानी बता दूं। आज से 40-50 साल पहले का एक जमाना हुआ करता था, जब शादियां होती थी तो किसी पंडित जी को और नाई को भेज दिया करते थे रिश्ते के लिए। यस या नो? हमारे बहुत पूर्वज लोग बैठे हैं, उनको पता है इस बात का, वो विश्वास होता था। तो एक घर में गए शादी के लिए और रिश्ता, उन्होंने घर बार देखा, सारी चीजें देखी, देख के आपस में बातचीत करने लगे और इशारे में उस पंडित जी ने उस नाई से कहा, बोला भाई क्या लगता है? तो उस नाई ने कहा, बोला इन कहवा कोनी। तो पंडित जी ने बोला इन कहवा कोनी, तीन कहवे भी कोनी। ओ भाई तो उसने कहा, नाई ने कहा इन कहवा कोनी तो इन कहवो भी कोनी। तो देखता कि सारी चीज और दोनों उठ के चल पड़े। तो तीसरा व्यक्ति बैठा था साथ में, वो बाहर आके बोला सर क्या लगा? बोला सर हमने देख लिया सारी चीज ठीक है। तो बोला सर मैं आप जो बातचीत कर रहे थे वो समझा ले। तो थोड़ी सी आगे से ले जाके बोला, भाई नाई ये कह रहा था इनके चूहे नहीं है, इनके बिल्ली नहीं है। तो मैंने कहा कि बिल्ली नहीं है तो चूहे भी नहीं है। तो बोले चूहे नहीं तो इनके दाना भी कौन? और बोले दाना कौन थी इनके किमत कौन? जरूरत है आंख मिच के आरसीएम ज्वाइन करो और हजारों प्रोडक्टों की लाइन लगी हुई, 600 से 700 प्रोडक्ट तो आज ले रहे हैं और रेट और क्वालिटी की गारंटी ले रहे हैं कि पूरी इंडिया की मार्केट को चैलेंज कर रहे हैं हमारे हेल्थ कार्ड से। हमारे अभी रेट सेट अभी दिखा रहे थे ओरिजिनल गामा के, सारी कंपनियों के रेट दिखा दी, सारी कंपनियों की क्वालिटी दिखा दी। तो विचार करना क्या है बताओ? हेलो, यस। जब सारी चीजें ठीक है, ज्वाइनिंग फ्री बता दी, मैडम ने कहा अभी प्लान में कि 1 रुपया आपका लगता नहीं, स्वास्थ्य के प्रोडक्ट आपके पास है, घर में सुबह से शाम तक के प्रोडक्ट आपके पास है, कंपनी का सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है, सबसे ज्यादा वितरण व्यवस्था हमारी है, सबसे ज्यादा एजुकेशन हमारी है, और फिर क्या चाहिए ये बताओ? अगर आज आप लोगों ने कामयाब होना है
बलवान जी अभी बहुत अड़ेले से कह रहे थे कि 10 लोगों से हमने यहाँ शुरुआत की। मैंने कहा सर इसमें राज ही यही है, अगर आपने कामयाब होना है तो रुकना पड़ेगा। क्या कामयाब होना चाहते हैं? कितने साथी हैं जो 5 साल आर से उनको दे सकते हैं? 5 साल आर से उनको अगर दे सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके जबरदस्त ताली अपने लिए बजा ले। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले लोग कहते थे, बोलो सर यहाँ नेगेटिव माहौल है। अरे जहाँ नेगेटिव माहौल है वहाँ काम करने में फायदा है, जहाँ पॉजिटिव माहौल है वहाँ तो लोग कर रहे हैं। आंसी के अंदर नेगेटिव माहौल था, 10 लोग इकट्ठे हुए, आज कारवा देखो। ये लोग तो ट्रेनिंग में है, आज ये सर की ट्रेनिंग मीटिंग है। अगली बार जब सेलिब्रेशन फंक्शन होगा तो मेरे को लगता है आंसी में ऐसा शायद कोई वेन्यू नहीं होगा जिसके अंदर आप लोग आ सके। शुरुआत दोस्तों एक व्यक्ति से भी हुई थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत हुई, एक पिकअप सेंटर से शुरुआत हुई। 2.5 करोड़ लोगों की समझ में आ चुकी है आरसीएम। पूरे इंडिया के अंदर जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वहां आरसीएम के पिकअप सेंटर है। पूरे हिंदुस्तान में एक रेट का प्रोडक्ट मिलता है। सिर्फ आप लोगों को सटे करना है दोस्तों। आज समय सारा सरका लेंगे। अभी बलोड़ जी कह रहे हैं कि गुआना धाम, तो दोस्तों ये धाम से कम नहीं है, क्योंकि वहां कुछ अलग तरीके होते हैं। यहाँ धाम इसलिए है कि हम अपने आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य से मजबूत होते हैं, इंजॉयमेंट के लिए टूर देते हैं। सर जी ये कंपनी की तरफ से कोई टूर नहीं होता, ये सर की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। और सर के अगर मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे जबरदस्त प्लानिंग अगर कोई है, प्लानर जिसको माना जाता है, उनमें इंडिया में टॉप में अगर किसी का नाम आता है तो साबुद्दीन खान का है। लगातार 3 साल से जिन्होंने टूर की जब से प्लानिंग की है, पिछली बार J&K के अंदर पूरा सिस्टम बंद था, सर की पिन चेंज नहीं हो पाई, लेकिन पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितनी अचीवमेंट आई, सर ने गर्व से कहा कि मैं आज गदगद हूँ, मेरी पूरी टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल आए हैं। जबकि सर का बहुत सारा बिजनेस J&K के अंदर क्लोज था नेट की वजह से। और आज खान सर ने ठान रखा है अब की बात जो क्लोजिंग होगी हिंदुस्तान में नंबर 1 पर अगर किसी का होगा तो खान सर की टीम का होगा।